फल वाला वाटरमेलन हम ना यहाँ पे लेके आ गए हैं। ये इतना बड़ा चाकू से डील करता बंदा कोई और नहीं है, ये है डैडी। कोकोनट खा के ना इस मौसम में और पानी के पास ऐसा फील हो रहा है कि ओके तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन के रैप। मेरा है और ये मेरा रैप बनने वाला है, इसमें माइनस Good morning, everybody. So, बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है, आज अच्छा दिन था, ठंडी लग रही है हमें, और जो हमने रात को फायर जलाई थी वो अब तक जल रही है, और इस डिलिशियस फायर पे ये छलियाँ रख दी गई हैं हमारे सुबह सुबह खाने के लिए। और मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारे बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही रिफ्रेशिंग। देखो जी ये सब तो बड़ा है तोड़े। स्वीट कपल लाइफ कैप दिस स्पेशल है, साइज देखो कितना डिली है। नहीं नहीं ऐसे ने पीने रहने मैं करूं आ जाओ, लेकिन उंगली बच ये इतना बड़ा चाकू से डील करता बंदा कोई और नहीं है, ये है डैडी जो घर में कोई काम नहीं कर पाता है। अरे बड़े नाइफ नाल, वाह कच्चे रुपये वाला चाकू भी नहीं चलता है। पति तू नारियल दी रेड़ी खोल दी है, मैं क्या अन्ना बना रही है अन्ना। रहमत चाहिए बस इन्हों की, होर तो So, हम लोग यहाँ डेक पे आ गए और नारियल पानी मैंने पी लिया। अब इसको खोल के मैं इसकी क्रीम खाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है कोकोनट मलाई। सो हस्बैंड अपना कोकोनट एंजॉय कर रहा और अपना इंटरनेट टाइम। कोकोनट खा के ना इस मौसम में और पानी के पास ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग आ गए हैं किसी ट्रॉपिकल जगह पर, राइट डैडी। सो हस्बैंड ने ट्राई किया कनू करने के लिए ये छोटी सी कनू में, पर आज विंडी इतना ज़्यादा था कि बहुत मुश्किल हो रहा था अपनी कनू को मैनेज करना। आप देखें कितनी वेव्स आ रही हैं। सो इट वाज नॉट अ सक्सेस। सुबह उठने के बाद हमने सबसे पहले पिया है नारियल पानी और उसके बाद खाई है छलियाँ, एंड अब हम लोग इस डेक वाले एरिया में बैठ के पानी को इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा दिन है आज, ठंडी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, अच्छा सनी है। और इस डेक के नीचे गेमिंग रूम है जहाँ पे थोड़ी गेम्स हैं, कार्ड्स हैं, टेबल टेनिस है, ऐसे छोटी मोटी टेबल वाली गेम्स हैं, तो ज़्यादातर सब लोग वहीं पर गेम्स प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद हम कुछ खाने का बंदोबस्त करेंगे, अभी तक मैंने चाय या कॉफ़ी नहीं पी है। एंड पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्यू लग रहा है ये। वैसे तो कनाडा में किसी भी जगह पे जाओ आपको हर व्यू ऐसा ही मिलता है, क्योंकि ये लेक्स की धरती है, यहाँ पे हर तरफ लेक्स ही हैं और ट्री ग्रीनरी एंड लेक्स।
सो या अच्छा है, मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेश हो गया है क्योंकि ये कोविड के समय में हमेशा अंदर रह रहे के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे और अब ट्रैवल करके दूर नहीं जा सकते, लाइक अभी भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और सो या हमने सोचा ये छोटा सा गेट अवे घर से अच्छा हमें फ्रेश कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। सो मैं थोड़ी देर और यहाँ पे बैठ के इंजॉय करूँगी और उसके बाद आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। ओके सो हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, बहुत कल हमारा चल रहा है दोस्तों। तो ये है एग बन रहा है, कोई ये लिड नहीं चक्की जा सकती, तो स्पेशल एग बन रहा है, कोई टोस्ट बना रहा है, किसी ने पास्ता बनाया है और अब बंदा ना आके आ गया है, कह रहा कुछ नहीं करना मुझे। नंबर वन कैंडिडेट जरा बना वाला उन्होंने भी दिखा रहे हो जरा बना रहे हो डिश के नाल दिखा जाऊंगा। शक्शुशा थैंक यू। तो ये वाला एग बनाया नए तरीके का, नाम मेनू याद नहीं है पर बहुत अच्छा बना है। शक्शुशा। ओके तो इसका नाम है शक्शुशा। अब मेरे पास नाम है तो ये रियल नाम है। किवें दा बो एग शक्शुशा किदा दा गुड? आपको कैसा लगा शक्शुशा? मैं कहना आनंद आ गया। पिकनिक जेडी है ना, आउटिंग जेडी है ना, ए द बेस्ट है गाइस जी। या फुल मार्क्स। और साडे शेफ साहब हुन खा रहे हैं, सबनु खिला के शक्शुशा चाट। मैं कट के ना दिता ना, ए उथे लेक दे गए ना उथे, तो उथे छड आया है वाटरमेलन हम ना यहाँ पे लेके आ गए। हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं। यू आर एंजॉयिंग टू मच। ओके सो मैं रेडी हूँ, मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं एंड जिंजर की चाय पी रही हूँ, इसमें सिर्फ पानी है एंड जिंजर एंड मुझे थोड़ी कमर दर्द है तो मुझे लगा जिंजर टी हेल्प करेगी। इसमें ऐड किया है फ्रेश जिंजर और मेरा दूसरा कप है। ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है क्योंकि सारे लोग घूम गए हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, कुछ घूमने गए हैं, कुछ नैप ले रहे हैं। सो या दैट्स। सो ब्रेकफास्ट के बाद जब सब लोग तैयार हो रहे थे तो हिम्मत एंड हस्बैंड ने यहाँ पे ये नज़ारा देखा और नमस्ते की। यहाँ पे हिम्मत ने बहुत ज़्यादा ये फ्लोटी के साथ काफ़ी दूर तक चला गया था प्ले करता हुआ। ओके सो अब मैं हूँ ये बीच के किनारे पे और अब क्या हमारा प्लान है, जब तक वो फैमिली थोड़ा आराम कर रही है, रेडी हो रही है, हम लोग यहीं किसी पास वाले टाउन में जाएंगे जहाँ काफ़ी पी के आएंगे एंड बस यही प्लान है। बहुत तो ही जाना पर्स पुर्स लैन एंड शू पान। सो ये है वो प्यारा सा टाउन, इसका नाम है हैलीबर्टन और आप देखिए कि यहाँ पे कितने सारे पेड़ एंड पहाड़ी सा एरिया है ये थोड़ा। उस कैफे में जिसमें मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी क्राउड है, सो मुझे लगता है कि अच्छी कॉफ़ी मिलने वाली है क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जो ऐसे छोटे टाउन्स हैं ना वहाँ पे जो बेकरीज होती हैं लोकल उनकी बेकिंग गुड्स बहुत अच्छी होती है। तो यस इस बेकरी से कुछ खाने के लिए लेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे एंड देखते हैं हम और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके सो हमारी कॉफ़ी आ चुकी है पर हमारा प्लान है कि हम लोग उस एरिया में जाके बैठेंगे एंड कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेंगे। सो दिस इज द आई होल्डिंग है एंड हम हमारी बाकी चीज़ों की वेट कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि जो यहाँ पे गर्ल काम कर रही है वो अकेली है, तो यहाँ पे और लोग भी खा रहे हैं और फिश एंड चिप्स भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेकरी भी है। मुझे लगता है कि इस टाउन में यही वाला कैफे है तो काफ़ी समय से हम सर
ओके, एक तो हमारी कॉफ़ी हमें मिली लेट है, पर दूसरा उसने देर गलत कॉफ़ी दी है, रेगुलर अमेरिकन स्टाइल कॉफ़ी दे दी है, हमने लाटे कहा था। सो बस पट्टी को मिली है, हमने हमारी कॉफ़ी को चेंज करवाया, पर उसके बाद फिर से वो हमारी कॉफ़ी वैसे ही होगी, क्योंकि इन्होंने हमारी जो कॉफ़ी है फ्रेश बीन्स के साथ नहीं बनाई थी, ये मशीन मेड है, तो वो जो फ्रॉथ ऊपर आती है वो पानी बन जाती है। तो हमें लगा कि हमें कॉफ़ी गलत दे दिया, पर दोबारा इस कॉफ़ी का भी वही हाल हो गया जो पहली कॉफ़ी का था। सो यहाँ पे अभी भी पिकनिक चल रही है, हमने कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी पर पी ली है हम, दिल पे पत्थर रख के हमने तो रेगुलर वो फोन चार्ज करता हूं रखे बाकी दैट्स ओ यार दैट्स नाइस मैं तो टीवी लाके बैठा। सो यहाँ पे कॉफ़ी पीते हुए हम लोगों ने थोड़ी गप्पे लड़ाई, और उसके बाद हम लोग ये पासी वाले पार्क में थोड़ा मजा करने के लिए चले गए। ओके, सो जहाँ पे हमने कॉफ़ी पी है उसी के पास ही प्यारी सी पार्क है, और इसमें ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी गेम्स है, तो सारा ने एक एक गेम ले ली है। चलो जी तुहानू गां लेके चलदे आ, मैनू फॉलो करो। ओके, सो हस्बैंड ने डिसाइड किया है किसी जगह लेके जाएंगे, वो हमें कहने की इतना अद्भुत नज़ारा मिलेगा कि तुमने वो नज़ारा कभी देखा नहीं है। सो गाइस आप भी मेरे साथ चले और देखना और बताना कि हस्बैंड सच्ची सच बोल रहे हैं या नहीं। और उसके बाद एक और जगह जाएंगे, देन हम थोड़ी सी ग्रॉसरी पिक करेंगे, उसके बाद हम घर जाके बारबेक्यू करने वाले हैं हमारे होम होटल में। सो यस एक्साइटेड। जिस व्यू पॉइंट की मैं बात कर रही थी, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लुक एट द व्यू। सो इस हाई पॉइंट से आप देख सकते हैं हैलीबर्टन टाउन को, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो हमारे दोस्त हैं वो यहाँ पे काफ़ी बार आते रहते हैं, और उन्होंने कहा कि वो फॉल में भी आए हैं बहुत बार, तो फॉल में यहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि सारा कुछ फॉल के कलर्स से भर जाता है। ओके, सो मैं बनाने वाली हूँ चिकन की रैप, जिसके लिए मुझे सैलड के लिए पेपर चाहिए, जो आज मैं लेके आई थी घर से, वो हमने आज ब्रेकफास्ट में यूज़ कर ली। सो जल्दी से मेरे सैलड के लिए पेपर्स ली, धनिया लिया, और जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी वो मैंने सारी खरीद ली है। तो एक मैं ना लेने वाली हूँ धनिए का भी, क्योंकि मुझे सैलड में अच्छा लगता है। मैंने ब्रेड ली है, वो ऑलरेडी कटनी है, तो शी गोना कट इट फॉर मी। सो इनकी ये फ्रेश बेक ब्रेड है। सो ब्रेड की बहुत ही प्यारी स्लाइसेस कर दी है उन्होंने, एंड नाउ आई नीड टू पिक एग्गीज। तो हमने ले लिया कुछ सामान, पानी, ब्रेड, मैंने थोड़ी ब्राउन शुगर ली है क्योंकि चाय के लिए शुगर नहीं है हमारे पास, और सैलड के लिए सिर्फ धनिया एंड पेपर, एंड सुबह के लिए अंडे एंड थोड़ी सी चिकन, दैट्स इट। सो मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आई थी, और मुझे एक बंदा दिखा जो मेरे जान पहचान गई था, तो वो निकला पति, और पति पानी लेने के लिए आ गए थे। सो या हेल्प होगी थोड़ी। Finish high school. Scared of making mistakes. Wish for you to take interest. Only when I want. Could be pretty, baby. Bronze teeth and confidence. जगह देखने के लिए आए हैं वो मिल गई है हमें, यहाँ पे ये फॉल है, एक्चुअली डैम बना हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और बहुत मज़ेदार है, बहुत पीसफुल है। आपको पता ही है मुझे पानी के पास बैठना अच्छा लगता है, नॉर्मल काम है ये मेरा, एंड इसकी आवाज़ इतनी सूदिंग लगती है ना कि आप वो आपकी
डेली लाइफ वाली चिंताएं भूल जाएंगी और आप काम हो जाएंगे। सो यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा मज़ा ले रही हूँ और जो मेरे संगी साथी हैं मेरे साथ आए थे वो हाइक करने के लिए चले गए। और वैसे तो हमारा प्लान था कि घर जाके कुक करें, पर ये जो लोकेशन है हमारे रास्ते में ही थी तो हमने कहा कि कवर कर लेते हैं। पर एक दो चीज़ें हम और देखना चाहते हैं जो हम कल हमारे यहाँ से चेकआउट करने के बाद देखेंगे। सो कल का प्लान क्या है कि कल उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे एंड दो चार चीज़ें देखेंगे एंड घर की तरफ रवाना होंगे। और हिम्मत एक्चुअली चाहता है कि हम और रह जाएं यहाँ पे। हस्बैंड कह रहे हैं कि हम रह सकते हैं अगर रहना चाहें तो दो और दिन, पर हिम्मत चाहता है कि जो हमारे साथ फैमिलीज आई हैं वो भी रहें। हमने कहा कि कौन सी फैमिली चाहते हो रहे तुम वगैरह, दोनों चाहिए क्योंकि दोनों मेरे बेस्ट बडीज हैं। सो पता नहीं अभी क्या प्लान है, मोस्ट प्रॉब्ली हम कल घर जाने वाले हैं। पर सितंबर के इन दिनों में इतना ब्यूटीफुल मौसम, बहुत मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे ये गेट अवे वीकेंड का घर से दूर। सो यस दैट्स अपडेट। ओके सो यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, इसको पीछे करते हैं। पति मूव प्लीज। ओके सो यहाँ पे ना ये लेक के किनारे किनारे तो कॉटेजेस हैं और इसमें ना दो चार छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं और इन आइलैंड्स पे भी लोगों ने ना घर बना के रखे हैं। सो कितना मजेदार है ना इस आइलैंड में घर, लो कोई गवांडी नहीं परेशान करना, कोई कुछ नहीं होगा, ज्यादा चल करना है चल करो वापस। इस पिद्दी से पे भी है छोटी सी कॉटेज। एक्चुअली कुछ ही दिनों की देर में जब फॉल आ जाएगा और ये सारे पेड़ों के रंग चेंज हो जाएंगे, कनाडा का फॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, प्यारे प्यारे बरगंडी ऑरेंज हर तरह का फॉल वाला कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप फॉल में इस एरिया में आते हैं ना तो फिर यहाँ पे आपको सारा फॉल वाला मज़ा आएगा। इतना अच्छा लगा इस बार यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि कुछ देर बाद जब फॉल आ जाएगा तब भी हमें आना चाहिए, क्योंकि स्नो में तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्नो में घूमने वाला बंदा नहीं हूँ मैं। स्नो में उन्हीं को मज़ा आता है जो स्की करते हैं या फिर जो स्नो वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। मैंने तो वार्म एंड कोजी रहना ही अच्छा लगता है, तो मैं फॉल में ही घूम सकती हूँ। सो हो सकता है कि हम लोग प्लान बनाएं कि दोबारा फॉल में भी आए। लेट्स अपडेट। मैं अभी बाहर नहीं जाने वाली, मैं थक रही हूँ और वो सारे बंदे जितने भी मेरे साथ हैं वो सारे बाहर जाके वन बंदा इज बैक। ओके सो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं हमारे घर में। तो मैं ना सैलेड के लिए चीज़ें काटने वाली हूँ और चाय पीने वाला है, चाय लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे मेरे साथ बहुत प्यारी कंपनी है चाय पीने के लिए। हस्बैंड तो मानते नहीं है चाय पीने के लिए, पर मेरे साथ ही मिल गया है। हमने ना कल दो बार चाय पी, ऐसे मैं तीन बार भी पी सकती थी। हाँ चाय की चुस्कियाँ एंड गप्पे। सैलड ना ऑलमोस्ट रेडी है। पहले मैं सोच रही थी और पेपर डालूं, पर इतना बहुत है, पर नींबू निचोड़ने के लिए स्ट्रांग हाथ चाहिए क्योंकि मेरे से नहीं होता है दोस्तों। पत्ती को करना है डैडी, नींबू निचोड़ना निचोड़ो। ओहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत दूजा भी। आज के मेन्यू में क्या है? टंगड़ी कबाब। मैं द मेन्यू में चेक जी, चिकन टिक्का। आई विल टेक अ पिक एंड दैट इज अ स्पेशल टिक्का। ओह हस्बैंड गॉट स्पेशल टिक्का। हम बनाने में जितना वी बंदे है खाने नहीं है तो 10 है गए ना, ऐसे कितने गए तू इधर रिब मास्टर लगा ने सुनो थोड़ा से थोड़े और कई लगी हुंदा थोड़ा रंग भी वही है। ली है मेरे लिए बना दी गई है चाय एंड मैं एक्चुअली चाय सनसेट देखते पीना। पर प्यारी फैमिली बना रही है वहाँ पे चिकन, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है पर मेरी रेसिपी अभी थोड़ी देर में बनेगी और उससे पहले मैं और हिम्मत जाके सनसेट का मजा लेना चाहूँगी। We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping. Okay, दोस्तों खाना बनाते बनाते ना बहुत ज्यादा समय हो गया, ते पता नहीं चल रहा अभी पता नहीं चल रहा काला माला हो रहा है क्या। ओके वो खाओ थोड़ा जा।
सो यहाँ पे है चिकन टंगड़ी जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो मेरी रेसिपी है वो चिकन है, एंड इसको मैं रैप बना रही हूँ, एंड ये जो रैप है ये मेरा बन रहा है, और एक हमारे पास ग्राहक है जो खा रहे हैं, ये उनका रैप है, शक्ल देख लो आप, एंड उनके रिव्यू ले लेंगे, उन्होंने एक खा लिया है। मैं तीन खाधे ने चौथा मैं खान लगा, झूठ नहीं बोल, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली सच कह रही हूँ, एंड इट इज सो गुड, इट इज सो गुड, थैंक यू सो मच, दिस इज कमिंग फ्रॉम लिटरली फ्रॉम द हार्ट, सर जी ये फुल मार्क्स, ये महाराज इदां दे है, हर एक चीज नु गुड कहंदे, अपने ते लाइट मारो हुन तुसी, ओके सो ये पति दी प्लेट है, मतलब पति ने भी खाधा, हस्बैंड यू लाइक दैट, अंधेरा है और ये मेरा रैप बनने वाला है, दुनिया च गुम गया ओके सो इसी तरह हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा क्लीन अप करके हम बोन फायर के पास बैठेंगे, तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो हम लोग मना रहे हैं दिवाली फॉर नो रीजन, अर्ली दिवाली, आओ वैसे दिवाली आ रही है, वो कह रहा दिवाली, एक मिनट में तेरी वीडियो बनाऊंगी। Big fire is going on. We just put two cardboard, one flat and one big, and this happens. मैं तो ना क्या कि मेरी वीडियो बना तू दुनिया दी बना दे ओके ना दी बना लाइक व्हाट इज दिस ओके ना 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 क्विक It's almost burned down. Okay guys, there is a breaking news. यहाँ पे fire हो गई थी जो हिम्मत ने manage कर लिया किसी तरह भी. I don't know how he did it, but he did it. So हिम्मत is a superstar. Yes, he is. So काफ़ी ज़्यादा समय बोन फायर के पास स्पेंड किया है, बहुत मज़ा आया, और अब बज रहे रात के 12. हस्बैंड अभी भी बाहर बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, पर मैं और हिम्मत अंदर आ चुके हैं और हम सोने वाले हैं, एंड आज के दिन को यहीं पे फिनिश करते हैं. मैं सनसेट दिखाना चाहती थी पर सनसेट हुआ नहीं, हुआ पर मुझे दिखा नहीं क्योंकि क्लाउडी है और वो नहीं हो पाया, पर यह मज़ेदार दिन था, बहुत मज़ा आया और मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ. जा रही हूँ मैं अपनी स्किन केयर करने के लिए, उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे सोने के लिए चली जाऊँगी. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी, आई लव यू. धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वाले रूम में कोई सो रहा है. I love you, I love you, I love you.